के नोहर से है, जहां पर पंचायत समिति रावतसर में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी राजेंद्र गोदारा को राज्य सरकार के नियमों के विपरीत एपीओ और स्थानांतरण करने के विरोध में सोमवार को ग्राम विकास अधिकारी संघ नोहर के बने तले ग्राम विकास अधिकारियों ने यहां पंचायत समिति मुख्यालय के समक्ष क्रमिक धरना शुरू कर दिया है। सोमवार को क्रमिक धरने पर ग्राम विकास अधिकारी विवेक श्योराण, दिनेश बांबू, राधेश्याम, जसवंत राम, हाकम राम बैठे। ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश खटोतिया ने बताया कि इस प्रकार का एक तरफा कार्रवाई सहन नहीं की जाएगी। पति भूप सिंह जी द्वारा गत दिनों खोडा ग्राम पंचायत में जाना हुआ, जहां उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी से बदतमीजी की और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी पर बदतमीजी का आरोप लगाते हुए उसको एपीओ कर दिया, जबकि राज्य सरकार के स्पष्ट आदेश है कि बिना किसी कारण के ग्राम विकास अधिकारी या किसी पंचायतराज के कार्मिक को एपीओ नहीं किया जा सकता। उस काम ने विरोध किया तो उन्होंने फिर राज्य सरकार के आदेशों की दोबारा अवहेलना करते हुए उनका स्थानांतरण रावतसर पंचायत समिति से नोर कर दिया, जबकि राजस्थान सरकार के आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी ग्राम विकास अधिकारी को एपीओ नहीं किया जा सकता और बिना जांच के न तो एपीओ करेंगे न ही कोई स्थानांतरण करेंगे। जबकि सीओ पर दबाव बनाकर प्रमुख पति भूप सिंह ने राज्य सरकार की सीधी अवहेलना की है। अगर ग्राम विकास अधिकारी का एपीओ किया गया आदेश और पंचायत समिति चेंज करने का आदेश प्रत्याहरित नहीं किया जाता है, तब तक राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी जिला अपना आंदोलन अनवरत जारी रखेगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लक्ष्मणगढ़ में गणगौर की सवारी निकाली जाएगी। शोभा यात्रा के रूप में निकलने वाली इस सवारी में ईश्वर पार्वती की प्रतिमाओं को श्रृंगारित कर बैंड बाजों के साथ निकाला जाएगा, जहां जगह जगह सुहागिनों व कुमारियों द्वारा ईश्वर पार्वती की पूजा अर्चना की जाएगी। साथ ही गणगौर के गीतों व कहानियों का आयोजन भी होगा। महावीर सेवा समिति के प्रमोद ने बताया कि गणगौर की सवारी महावीर सेवा समिति कार्यालय से रवाना होकर मुख्य मार्गों से होते हुए रामलीला मैदान पहुंचेगी। साथ ही इसी दिन शाम को गणगौर मेला का आयोजन होगा। कोरोना काल के 2 वर्ष बाद इस बार गणगौर मेले का आयोजन भी होगा। साथ लगेंगे वहाँ झूले वगैरह सारे कंप्लीट, और ये जो मार्ग है जो इस बार एसडीएम साहब से भी सारे से बात हुई है तो मार्ग की पूरी सफाई वगैरह सब अच्छी तरीके से हो रही है। नगर पालिका बड़ा अच्छा सहयोग मिल रहा है और ये मतलब सेठों के बाजार में चल के डाकों के मंदिर होते हुए पक्की प्याऊ से होते हुए कपूतले कुआं से खाटू की पूरी ये मार्ग है लाल कुआं, और लाल कुआं से ईदगाह मस्जिद होते हुए केसरिया कंवर और फिर बस स्टैंड और फिर गणेश जी मंदिर से होती हुई रामला मैदान इसका पूरा मार्ग है। और अगली खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां मुस्लिम महासभा ने विभिन्न जोहड़ में गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी के टैंकर डलवाने के कार्य की शुरुआत की है, ताकि गर्मी के मौसम में बेसहारा पशुओं व अन्य जीवों पक्षियों को पीने का पानी आसानी से मिल सके और उन्हें पानी के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। पूर्व पार्षद महबूब खान ने बताया कि गर्मी के मौसम में इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी पानी की नितांत आवश्यकता होती है, ऐसे में जोहड़ आदि में पानी की व्यवस्था किए जाने से पशुओं सहित अन्य जीवों को भी पानी उपलब्ध हो जाता है। उन्होंने इसे सेवा भाव का कार्य बताया। मुस्लिम महासभा के प्रदेश सचिव शरीफ मोहम्मद ने बताया कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे जोहड़ आदि में पानी की संभावना कम होती रहती है, ऐसे में टैंकरों की सहायता से जोहड़ में पानी भरने से बेजुबान जानवरों पक्षियों को पीने का पानी उपलब्ध हो जाता है। महासभा बेजुबान जानवरों तक पानी पहुंचाने का यह अभियान पूरी गर्मी जारी रखेगी।
और हनुमानगढ़ के नोहर से भी अगली खबर सामने आ रही है, जहां पर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने के बाद धर्मशाला में कर्मचारियों द्वारा विधायक अमित चाचाड़ का अभिनंदन किया गया। आपको बता दें कि विभिन्न विभागों के 33 कर्मचारी संगठनों द्वारा विधायक अमित चाचाड़ के ऐतिहासिक अभिनंदन व स्वागत किया गया। कर्मचारियों ने पुष्प वर्षा कर विधायक का स्वागत किया। सर्व कर्मचारी एकता मंच के बैनर तले समारोह में मौजूद हजारों कर्मचारियों ने विधायक के स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। कार्यक्रम में कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके चलते मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में विधायक अमित चाचाड़ का अभिनंदन किया गया। दिल्ली अम्बेडकर नगर से विधायक और हिमाचल प्रदेश